नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5paisa कैपिटल के रिजल्ट्स का। तो हम देखेंगे इनके रिजल्ट्स कैसे रहे, उस पर अपना ओपिनियन देंगे और चार्ट के माध्यम से भी स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। तो इस पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पे हम हाई एक्यूरेसी के संग कॉल्स देते हैं। साथ ही दोस्तों, मार्केट की इन्वेस्टमेंट रिस्क के अधीन होती है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम 5paisa कैपिटल के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा कि इन्होंने कोई डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया है। तो एसएल डिविडेंड की तो कोई न्यूज मुझे दिख नहीं रही है अभी तक, तो इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली कोई डिविडेंड नहीं दिया है। आइए अब हम इनके रिजल्ट्स को देखते हैं। तो ये स्टैंड अलोन रिजल्ट्स है, तो अगर सारे फिगर्स लैक्स में है दोस्तों, तो आप यहां पे देखेंगे कि इनके जो रिजल्ट्स है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इनके में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 5000 लाख से बढ़ के 6000 लाख हो गया है, तो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले साल की अगर हम पूरे ईयर की बात करें तो वो 19,385 लाख के आसपास थी, तो यहाँ उम्मीद है कि अगर इसी हिसाब से चले तो ईयरली भी अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे। और पिछले साल के इस क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहां भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की मैं बात करूं दोस्तों, तो उसमें भी बढ़ोतरी मिली है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। पिछले साल के इस क्वार्टर से करें तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गई है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है। एक्सपेंसेस बढ़े हैं उसके बाद भी प्रॉफिट बढ़ी है, तो ये एक अच्छी खबर है। नेट प्रॉफिट की मैं अगर बात करूं टैक्स के बाद, तो उसकी बार पिछली बार 300 लाख के आसपास थी इस क्वार्टर में पिछले साल, अब की बार 750 के आसपास हो गई है। और क्वार्टर बाय क्वार्टर भी ये लोग रेगुलर इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल इनके रिजल्ट्स दोस्तों अभी तक तो मुझे पसंद आ रहे हैं। ईपीएस भी देखिए, इसी वजह से क्योंकि इनकी प्रॉफिट्स बढ़ी है तो ईपीएस में भी बढ़ोतरी हुई है। एक पॉइंट देखिए, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि ड्यू टू लॉकडाउन ऑन कोविड-19 कैपिटल मार्केट इंपैक्ट हुआ था, लेकिन 5paisa कैपिटल तब भी इनका ऑल आउट चलता रहा और कोई इनके बिजनेस पे मेजर इंपैक्ट नहीं हुआ, जो कि एक इनका पॉजिटिव आप कह सकते हैं सेंटीमेंट आया है तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से। अगर मैं चार्ट पे बात करूं दोस्तों, तो चार्ट एक कैसा लगता है जैसे कि बड़े बड़े ऑपरेटर्स को काफी टाइम से ही पता था कि इनके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, और भी इनमें काफी न्यूज चल रही है, कुछ काफी बड़े म्यूचुअल फंड्स और इन सब ने भी इनमें इन्वेस्टमेंट्स किए। तो बहुत ही देखिए दोस्तों क्या गजब की इसने राइज दिखाई है। एक टाइम ये आप इसका चार्ट देखिए दोस्तों, एक टाइम 4,450 के आसपास था, फिर 250 के आसपास आ गया, और फिर उसके बाद इसने 250 के बाद फिर 400 पे गया, फिर एकदम गिर गया 350, और उसके बाद तो फिर इसने रुकने का नाम नहीं लिया। बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल शेयर है, तो बहुत सोच समझ के आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के संग इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर मैं दोस्तों अभी के हिसाब से अगर बात करूं, तो आप दोस्तों इसमें अगर 553 की प्राइस है, तो मेरा मानना है 500 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख के इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टारगेट 650 और 700 तक का लेके चल सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 500 का स्टॉप लॉस लेके चलिएगा, जो थोड़ा ज्यादा है 10% का, लेकिन वोलेटाइल स्टॉक है तो हमें मैनेज करना पड़ेगा। और जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वो 600, 650 एंड 700। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस इस स्टॉक को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बनेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।